अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज एक न्यू एयर ड्रॉप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो सेम गोटली और गेटली की तरह ही है, और इस पर भी डेली बेस पे आपको 3% रिवार्ड मिलता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने फ्रेंड यहाँ पर यूज़र नेम, ई मेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर है। उसके बाद आपने कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर पर जस्ट कर देना है क्लिक। तो उसके बाद फ्रेंड आपने लॉग इन करना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे डेली बेस पे आपको 3% रिवार्ड मिलता है, और टाइम पीरियड जो इसका स्टेकिंग टाइम पीरियड है वो 15 दिन का है, और 10 रेफरल कमीशन तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपने फ्रेंड इसमें जो एड्रॉप है वो क्लेम कैसे करना है, तो जस्ट आपने यहाँ पर 3 डॉट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर 2nd नंबर पर आपको एक टोकन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जस्ट यहाँ पर टोकन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टोकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो जस्ट यहाँ पे क्लेम एयर ड्रॉप पे आपने कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लेम एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देना है कि यहाँ पे बिनांस की आईडी देनी है, और इसके अलावा ये दोनों फॉलो कर लेनी है, और इनका आपने यूज़र नेम भी लिखने हैं, और इस तरह यहाँ पर USDT BEP20 का बिनांस से आपने एड्रेस दे देना है, और उसके बाद आपने क्लेम एयर ड्रॉप पर कर देना है क्लिक। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं अपने बिनांस वॉलेट में आ चुका हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपकी यूज़र आईडी होती है बिनांस आईडी। तो यहाँ पे आमिर जी के आईडी के ऊपर एक आईडी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जस्ट जहाँ से कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर आपने आ जाना है, और यहाँ पर आपने कर देना है इसको पेस्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल देखें तो यहाँ से यहाँ पर भी आपने बिनांस के USDT BEP20 का एड्रेस देना है। तो जस्ट अगेन आपने यहाँ पर अपने बिनांस में आ जाना है, और यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉलेट पे आप क्लिक कर दें तो उसके बाद यहाँ पे आपने सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सपोर्ट पे क्लिक कर दें तो उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे कर देना है क्लिक। तो डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने USDT सर्च कर लेना है। जैसे ही आप USDT सर्च कर लें तो यहाँ पर आप देखें तो BNB स्मार्ट चेन BEP20 पर आपने क्लिक करके ये वाला एड्रेस आपने कर लेना है कॉपी। तो ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड आपने लास्ट में पेस्ट कर देना है, और उसके बाद इसको भी आपने फॉलो कर लेना है, और इसको भी फॉलो कर लेना है, और दोनों का यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये जैसी फ्रेंड ये चीज़ें लिख देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्लेम एयर ड्रॉप पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लेम एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट विल बी रिव्यू। तो हमारी रिक्वेस्ट लग चुकी है, और जैसे ही ये रिव्यू ख़त्म होगा तो उसके बाद हमें टोकन मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली स्टेकिंग। तो उसके बाद फ्रेंड जैसे ही विड्रॉप आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये रिसीव हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के बाद ही आपको ये जो बैलेंस है ये रिसीव होता है, और ऑलरेडी स्टेकिंग पर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि डेली बेस पे रिवार्ड 2Z मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्टेक पे लगा हुआ होता है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी अर्निंग होती है, और टोटल अगर स्टेकिंग आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ तक आप लगा सकते हैं 1.5 लाख तक। और उसके बाद यहाँ पे जो डेली बेस पे रिवार्ड बनता है 3% के हिसाब से, जिस तरह कोटली या केटली में था। और इसके अलावा टाइम पीरियड जो स्टेकिंग का है वो 15 दिन का टाइम पीरियड है, और आने वाले दिनों में 20 दिन का भी स्टेकिंग टाइम पीरियड आने वाला है, और 30 दिन का भी स्टेकिंग पीरियड आने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि 30% अनलॉक की फ़ीस भी होगी, और उसके अलावा ये इसका मेन इंटरफेस है। यहाँ पे अगर आप स्टेक लगाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप इजीली स्टेक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी तो अवेलेबल बैलेंस 0 है ना, तो जैसे ही यहाँ पे अगर शो होता है और यहाँ पे मैं स्टेक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आपने अमाउंट पुट करनी है जितने की भी आप स्टेक लगाना चाहते। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पे ये पुट करेंगे तो नीचे यहाँ पे डॉलर में भी शो होंगे कितने डॉलर आपके बन रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डॉलर के कितने बनते हैं। और इस तरह फ्रेंड ये इसका मेन इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको 10 रेफरल तक कमीशन मिलती है, और यहाँ पे 10 लेवल तक आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसका मेन इंटरफेस था स्टेकिंग वाला। यहाँ पे जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक कर दें तो अगर आपने मेन इसका इंटरफेस चेक करना है तो जस्ट यहाँ पर आपने स्टेकिंग पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड 1 डॉलर के बराबर 33 जो जेड हैं 1 डॉलर की इक्वल होते हैं। अगर आपने बाय करने हैं तो 1 डॉलर के आपको 33 जेड मिलेंगे। और इस तरह यहाँ पे अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने वॉलेट में आ जाना होता है, तो जैसे यहाँ पे आप वॉलेट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके अवेलेबल बैलेंस शो होगा, यहाँ पर जितना भी आपने विड्रा लिया होगा वो शो होगा, और यहाँ पर हमारी जो स्टेकिंग है और ये ड्रॉप वॉलेट जो है जो रेफरल से आपको रिवार्ड मिल रहा होता है ये शो होता है।
तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड बाय करने हैं आपने, तो जस्ट यहाँ पे आपने बाय पे कर देना है क्लिक। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $1 की इक्वल आपको 33 जेड मिलते हैं, और आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो करीबन 10 रुपीज़ की इक्वल एक टोकन बनता है ये वाला। तो इसी तरह यहाँ पर आपने नीचे एड्रेस आपको दिया गया ये वाला, तो ये एड्रेस कॉपी करके आज भी आप USDT सेंड कर देंगे, और उसके बाद जब USDT आप सेंड कर देते हैं तो उसके बाद चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद आप चेक कर सकेंगे कि आपको रिसीव हो गए होंगे। और उसके बाद फ्रेंड अगर आपने यहाँ पे सेल करने हैं तो सेल भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये सेल का ऑप्शन है, तो जस्ट सेल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पास बैलेंस आ जाता है और आप इसका विड्रा अगर लेना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ से विड्रा भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो एड्रेस है ऑलरेडी इसका लिंक हो जाता है, जैसे आपका अकाउंट बनाते हो तो जो USDT BEP20 का एड्रेस आप देते हो तो वो लिंक होता है वही। और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस अभी जीरो है क्योंकि अभी मुझे ड्रॉप रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिर शो होगा। और यहाँ पे जो मिनिमम आप विड्रा ले सकते हैं 19 आप जेड का ले सकते हैं, 19 जेड से मुराद कि आधे डॉलर का आप यहाँ से विड्रा ले सकते हैं। तो ये इजिली यहाँ से आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अमाउंट पुट करेंगे, सेल नाउ पर क्लिक करेंगे, तो विद इन 5 मिनट के अंदर ही आपको जो विड्रा है अपने बिनांस वॉलेट में रिसीव हो जाता है। इस तरह फ्रेंड आपने स्टेकिंग लगानी है, अगर बाय करने हैं तो इस मेथड से करने हैं, सेल करने हैं तो इस मेथड से करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर 3 डॉट पे आप क्लिक कर दें तो ये होम का सेशन है। जैसे होम पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अभी मेंबर बहुत ही कम है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो उतना जल्दी आपको ये ड्रॉप रिसीव होगा। तो अभी 11,000 इसके में मेंबर हैं और इसकी प्री सेल भी स्टार्ट है, और ये वेरीफाइड जेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगेन 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आपने ड्रॉप पर क्लेम करने के लिए जस्ट टोकन पर क्लिक करना होता है, और जैसे ही टोकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप क्लेम ड्रॉप पर क्लिक करके वो चारों चीज़ें देकर आप ड्रॉप पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ड्रॉप आपको रिसीव हो जाता है तो स्टेकिंग में आपने आ जाना होता है, और ये वाला ऑप्शन वॉलेट का है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये अकाउंट का है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में इसके विड्रावल और एक एक चीज़ के रिलेटेड आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।